कितनी उम्र है आपकी? 11 साल। कहाँ से आए हो? तालस पीछे हासलपुर में पिंड है, जरा क्वार्टर लिया हुआ है। घर वालों की रजामंदी से आए? रजामंदी से नहीं आया, हम दोनों का 2:30 बजे निकले थे, 5 बजे गुआवा हो गए थे। पापा पता नहीं किसे चले से, मैं इधर फिरता रह गया। एक ही दिन में एक ही दिन में वहाँ से फरार भी हो? भाई लेके जा रहा था लालच लेके, फिर भागा है पीछे। क्या लालच दी थी उसने? उसने कहा और हम साहिल तुझे खाना खिलाऊंगा, मैं कहा मैंने नहीं खाना, भागा है। उसने बताया जी इस तरह आज 2:30 बजे यहाँ पे आए, फिर उसके बाद 5 बजे मैं अपने वालिद साहब से अलग हुआ, कोई मुझे किडनैप करना चाह रहा था। बाकी इसने मामला बताया 8 से 9 के दरमियान जो है ना इसके वाली साहब हमारे पास आए हैं कंप्लेन लेके कि लिहाजा मेरा बच्चा जो है ना वो मिसप्लेस है। फिर इस बच्चे को जाके रिकवर किया यादगार वाली साइड से हमने। 2:30 बजे मेरे नाल आया सी, 5 बजे पिछले अड्डे थे उत्थे मसवाक दे रहे थे, उत्थों बस अके पीछे आया मेरे नाल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखो टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा, खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाज़रीन इस वक्त पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के यहाँ पर लारी अड्डे की एंट्री में मौजूद हूँ। एंट्रेंस में अंदर एंटर होने से पहले मैं आपको थोड़ा सा केस बताती चलूँ। आज का जो प्रोग्राम है ऐसे बच्चे के लिए कि जो कि मिसप्लेस हो गया था और उसके फादर ने यहाँ पर आकर एप्लीकेशन की, कंप्लेंट की, इन्होंने एफर्ट की और सारा दिन जो है उस बच्चे को सर्च में किया। अब वो बच्चा जो है वो बरामद हुआ है। अब पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ हम अंदर जा रहे हैं, उस बच्चे को भी दिखाते हैं, उसके फादर को भी बुलाया है, उनसे भी हम बात करते हैं और नोमान साहब जो कि इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की और बच्चे को ढूंढा है उनसे भी बात करते हैं। तो चलिए आज ये केस ओपन करते हैं, मेरे साथ चलिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या नाम है बेटा आपका? रहमान। थोड़ा सा ऊंचा बोलना ठीक है, मुझे आवाज़ आनी चाहिए। रहमान नाम है? हाँ जी। कितनी उम्र है आपकी? 11 साल। कहाँ से आए हो? तालस पीछे हासलपुर में पिंड है, जे जरा क्वार्टर लिया हुआ है। लाहौर क्या करने आए? और मसवाके बेचते हैं। मसवाक बेचते हो? कब से? कम से कम 8 दिन हो गए। 8 दिन हो गए। अच्छा, घर वालों की रजामंदी से आए? रजामंदी से नहीं आया। भाग के आए हो? नहीं, हम दोनों का 2:30 बजे निकले थे, 5 बजे गुआवा हो गए थे। पापा पता नहीं किसे चले से, मैं इधर फिरता रह गया। कौन अगवा हुआ था? तुम अगवा हुए? किसने किया था अगवा? भाई मुझे पकड़ के लेके जा रहा था, पता नहीं कौन था, उसने मसवाक लेने के लिए वो आगे लेके, मैं उधर पीछे भाग आया। अच्छा। फिर पापा घर चले गए? पापा घर चले गए, फिर मैं पीछे पीछे घर को होता होता घर चला गया। तो एक बार हो चुके थे, तुम्हें कैसे पता कि पापा घर चले गए? भाई के पूछ के गया से मेट्रो स्टॉप के पास। अच्छा। ये 1 हफ्ता पहले की बात है? नहीं अबू ये। हां अबू ये। आज के दिन एक ही दिन में एक ही दिन में वहाँ से फरार भी हो? भाई लेके जा रहा था लालच लेके, फिर भागा है पीछे। कौन भागा है? तुम भागा? हाँ जी। क्या लालच दी थी उसने? उसने कहा और हम साहिल तुझे खाना खिलाऊंगा, मैं कहा मैंने नहीं खाना, भागा है पीछे। कितनी देर का था, कितनी उम्र का था वो लड़का? था बाबा था, आदमी था, क्या था? आदमी था। तो वो खुद मसवाक उसने तुमसे लिया था या वैसे ही पहली दफा है? पहली दफा ले रहा था। तो कहाँ पे मसवाक बेचते हो? मैं क्रीम पार्लर के पास बेचता हूँ। यहाँ कैसे आए हो? कहा मम्मी अब्बू मैं जहाँ आए थे। तहफ़्फ़ुज़ सेंटर कैसे पहुँचे? यहाँ पुलिस वालों के हाथ कैसे लगे हो? कैसे लगे? मैं तो इधर फिरता फिरता पापा पता नहीं किधर चले गए थे। कितने बहन भाई हो? 5। कितने बहन भाई में कौन सा नंबर है तुम्हारा? बहने हैं भाई हैं, कितने बहने हैं? बहने हैं 3 भाई। अच्छा, छोटे हो तुम सबसे? बड़े हूँ। सबसे बड़े तुम हो? हाँ जी। बाकी बहन भाई क्या करते हैं? बाकी बहन भाई घर रहते हैं। पापा क्या वही मसवाक बेचते हैं? हाँ जी। और अम्मी कोई काम करती है? अम्मी घर है, उसको बुखार है। हाँ जी। फोन नंबर वगैरह है पापा का? रब्ता नंबर वगैरह कोई? मोबाइल नंबर? अम्मी पास मोबाइल है। नंबर याद है? मुझे नहीं, जा अम्मी को याद है। तो तुम्हें फिर कैसे हम उनके हवाले करें? क्या भाई एड्रेस का पता है घर के? एड्रेस का नहीं पता, भाई से पूछ के चला जाता हूँ। अपना हाल देखा तुम, कितने गंदे मंदे हुए। कितने दिन हो गए घर गए हुए को?
कर गया है, कम से कम 5-8-9 दिन हो गए हैं। 8 के दिन 8 दिन यानी 8 दिन से भागे हुए हो? 8 दिन के नहीं, भागा तो आज हूँ। अच्छा, 8 दिन वालिद साहब के साथ रहे हो? वालिद साहब आज सुबह के तुमसे नहीं मिले, यानी सुबह 12 बजे के बाद? 12 बजे के बाद तुम्हारे वालिद साहब का कोई पता? 12 बजे नहीं, 2:30 बजे। 2:30 बजे का कोई पता नहीं है तुम्हारे वालिद? 2:30 बजे हम घर से निकले थे, 5 बजे हम दोनों गवाच गए थे। अलग हो गए थे? गवाच क्या गए थे? तुम अपने पापा से अलग हो गए? हाँ जी। अच्छा, कौन सी जगह थी जहाँ अलग हुए? ये पुल के पास ही। पुल के पास? तुम्हारे पास मसवाक थे या पापा के पास? पापा के पास थे, मेरे पास भी थे। तो पैसे वैसे थे तुम्हारे यहाँ पास? मेरे पास आए थे 100-150 रुपये। उस बंदे ने तुम्हारे से पैसे तो नहीं निकाले? पैसे तो नहीं निकाले। कुछ और तुम्हें कोई सिगरेट देने की कोशिश की हो या कोई ऐसी बात? ऐसी बात नहीं, उन्होंने तो बस थोड़ा लालच दिया था, थोड़ा आगे लेके गया तो मैंने क्या जे लेके जा रहा है, मैं वापस भाग आया। तुम्हें तुम्हारे वालिदैन ने या वालिद साहब ने कोई ट्रेनिंग दी कि बेटा किसी से कोई चीज़ नहीं लेके खानी, किसी की लालच में नहीं आनी? आज से पहले कोई इस तरह के घर वालों में अम्मी ने या अबू ने कुछ समझाया था कि बाहर जाने की क्या असूल है, बेटा किसी अजनबी से बात नहीं कर? मम्मी ने समझाया। क्या समझाया? मम्मी ने कहा कोई लालच लेके जाए तो पीछे नहीं जाना। नजरीन, इस बच्चे से हमने बड़े कीनली से और बड़े हर तरह से पूछने की कोशिश की है कि बच्चा किस लेवल का, किस मेंटालिटी का है, उसकी क्या मेंटालिटी है, क्या करना चाहता है, कहाँ जाना चाहता है। उसने बताया जी इस तरह आज 2:30 बजे यहाँ पे आए, फिर उसके बाद 5 बजे मैं अपने वालिद साहब से अलग हुआ, कोई मुझे किडनैप करना चाह रहा था। बाकी इसने मामला बताया, इस केस की जो इन्वेस्टिगेशन की है नुमान साहब उससे भी पूछेंगे, उनसे ये पूछेंगे कि ये बच्चा आया कि ये सच बोल रहा है या झूठ है, इनके वालिदैन से राबता हुआ है या नहीं हुआ, सारा पूछते हैं। चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं नुमान साहब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। अच्छा नुमान साहब, ये बच्चा जैसे कि बताया कि मुझे किडनैप करने की कोशिश की गई है, उसके बाद ये आप तक पहुँचा, फिर आपने इसके पेरेंट्स से राबता, इसने कहा जी नंबर मुझे नहीं पता, वालदा के पास मोबाइल है, फिर किस तरह अगर रابطہ हो भी सकेगा या आपने किया तो क्या मामला है बच्चे से, किस तरह आपने इन्वेस्टिगेशन की है, क्या आइडेंटिफिकेशन हुई है इस बच्चे की? जी मैम, ये कोई 4 से 5 के दरमियान जो है ना वो मिसप्लेस हो गया था आज, तो उसके बाद कोई 8 से 9 के दरमियान जो है ना इसके वालिद साहब हमारे पास आए हैं कंप्लेन लेके कि लिहाजा मेरा बच्चा जो है ना वो मिसप्लेस है, तो उन्होंने एप्लीकेशन दी है, फिर एप्लीकेशन पर जो है वो रिस्पॉन्स किया है, उसके बाद फिर जाके इसको जो है वो सर्च किया इलाके में पूरे लारी अड्डा की बैक साइड पे, फिर उसके बाद मुसाफिर खाना, फिर इस बच्चे को जाके रिकवर किया यादगार वाली साइड से हमने। तो अब ये है कि इसके वालिद साहब पास ही हैं हमारे, जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उसको कंप्लीट करेंगे और फिर इनके हैंड ओवर कर देंगे। यानी कि कंप्लेन इनके फादर की तरफ से आई है कि मेरा बच्चा जो है मिसप्लेस हुआ है, तो ये जो इसने बात बताई है बच्चे ने कि मुझे किडनैप करने की कोशिश की है, तो क्या ये हकीकत है, इस तरह का कोई मामला? इस तरह का मामला मैडम कोई नहीं हुआ, लेकिन ये है कि इसको रिकवर कर लिया, रिकवर करने के बाद इसने ये बताया कि इस तरह मुझे लेके गए हैं वालिद साहब मेरे, आज मुझे लेके आए थे, फर्स्ट टाइम ही आए हूँ मैं इधर लारी अड्डा, तो उन्होंने मुझे जो है ना वो मसवाकें दी थी और उसके बाद उन्होंने कहा था कि ये मसवाकें सेल कर, तो लिहाजा फिर इसके वालिद साहब ने बताया कि आया मेरे साथ ही था कोई 5 बजे के करीब और उसके बाद जो है वो मिसप्लेस हो गया, लिहाजा अभी तक मुझे मिल नहीं रहा, तो उसके बाद इसको जाके रिकवर किया, अब इसके वालिद साहब पास ही हमारे, इंशाल्लाह इसको हैंड ओवर कर देंगे। जी नाज़रीन, इसके वालिद साहब से भी हम बात करते हैं कि गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा, बच्चा कैसे मिसप्लेस हुआ और इतने से बच्चे का खुदा ना खास्ता कुछ इधर उधर यहाँ वहाँ चला जाता, आजकल जैसे गैंग्स चल रहे हैं, खुदा ना खास्ता अगर ये किसी और गैंग के हाथ लग जाता तो इसके साथ क्या होना था? एक फादर होने के नाते इनकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये फूल जैसे मासूम बच्चे हमारे मुस्तकबिल का हिस्सा है और इन बच्चों के थ्रू ही हमने अपने इस माशरे को कामयाब बनाना है। अब इनकी किस तरह इनकी मॉनिटरिंग की जाती है, इस किस तरह इनकी मैंटेलिटी सेट की जाती है, इनके फादर से भी बात करते हैं, उनसे पूछने की कोशिश करते हैं इससे पहले ऐसा कोई मामला हुआ है या नहीं हुआ। तो चलते हैं इनके फादर के पास जो कि इस वक्त जो है यहाँ पर तहफ़ पुलिस तहफ़ मरकज़ में मौजूद हैं। ये हैं इनके वालिद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आपका बेटा है जो बच्चा आज मिसप्लेस? हाँ जी। क्या उम्र है बच्चे?
11 साल। 11 साल कैसे मिसप्लेस हुआ? 2:30 बजे मेरे नाल आया सी, 5 बजे पिछले अड्डे ते उत्थे मसवाक दे रहा सी, उत्थों बस अगे पीछे होया मेरे नाल। कैसे आगे पीछे हुआ? आप फादर हैं जी, बच्चे की जिम्मेदारी आप पे है। हां जी, मिसप्लेस कैसे हो सकता? बस मैं थोड़ी गड्डी दे नाल दे रहा सी ते बस उत्थों अगे नाल गड्डी ते अगे टुरया तक। इतना बच्चा मासूम तो बच्चा है नहीं कि हाथ छुड़ाने से वो इधर उधर भाग जाए। नहीं नहीं, हाथ मैं पहले ही छड्या सी उहदा। आपने छोड़ा था, लेकिन इतना वो बच्चा है नहीं 3-4 साल का कि हाथ छोड़ेंगे तो बच्चा इधर उधर हो जाएगा, गाड़ी के नीचे आ जाएगा, इतना तो है नहीं। नहीं नहीं, ये मतलब समझदार बच्चे कि इसको अगर हम मना करें, आप मना करें कि बेटा यहाँ से हिलना नहीं है तो वो नहीं जा सकता। हाँ जी, तो खुदा ना खास्ता अभी ये किसी और के हत्थे चढ़ जाता। ये पुलिस वालों ने जो एफर्ट किया सारा दिन 5 बजे के बाद स्टिल नाउ अब तक उसको ढूंढने की कोशिश और बड़ी कामयाब कोशिश की और आपको बच्चा जो है बिल्कुल सेफली आपको दे रहे हैं, हैंडओवर कर रहे हैं। तो इसमें देख लें पंजाब पुलिस ने अभी तो चलो अपना तो काम कर लिया, लेकिन आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है आप बताएं एक फादर होने की? मेरी जिम्मेदारी ये बन गई कि उनको अच्छी तालीम दवाइए, मैं उन्हें घर में बिठा के स्कूल में दाखिल कराइए। चले नहीं भी है, आपके वसाइल नहीं है, आप स्कूल नहीं दाखिल, लेकिन बच्चे को आप सेफली रख तो सकते हैं ना। हाँ जी, क्या पैगाम देना चाहेंगे कि आने वाले वक्तों में जो पेरेंट्स नहीं ख्याल रखते उन बच्चों के लिए? अल्लाह खैर करेगा, नुकर में रखेंगे। पुलिस वालों के लिए क्या कहें? पुलिस वालों की मेहरबानी है जो इसने हमारा साथ दिया भाई। तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ जो कि पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ बना है, इसके बारे में आप क्या? नहीं समझ नहीं आ रही इस तरह। ये जो मरकज़ है तहफ़्फ़ुज़ मरकज़, ये भागने वाले बच्चे, किडनैप होने वाले बच्चे बच्चियों, उनके लिए बनाया गया तहफ़्फ़ुज़ के लिए। मतलब ये है कि आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आने वाली बच्चियों के लिए तहफ़्फ़ुज़ फराम करते हैं, इसके बारे में आप क्या? ये अच्छा आईजी साहब का अच्छा इकदाम है, ये अच्छा है, मुतमईन है? हाँ जी जी। नाज़रीन ये इनके फादर जिन्होंने कहा है जी आईजी साहब का इकदाम जो है बिल्कुल परफेक्ट है, और इनको भी हमने कहा है कि एक फादर होने के नाते इस बच्चे की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप उसको सेफली रखें। अगर बाहर लेके जाते हैं तो अपने रोज़गार के सिलसिले में इतना ना महव हो कि बच्चा यहाँ वहाँ हो जाए, लेकिन इनके लिए एक ये समझ लें कि आने वाले वक्तों के लिए एक नसीहत है। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। और आप जो फादर या इस वक्त मदर देख रहे हैं, काइंडली अपने बच्चों की ज़रूर मॉनिटरिंग करें कि कहाँ आते हैं कहाँ जाते हैं। आने वाले बुरे वक्त से बचिए, इस माशरे को बचाइए और कीमती राय से आगाह कीजिए। हाज़िर होंगे नए प्रोग्राम में, फ़ी अमानिल्लाह।